दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल वी जेफ एक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ नई चीज़ों के बारे में कि कैसे हम टाइटल क्रिएट करें। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हम टाइटल किसी टाइटल को क्रिएट करते हैं, यानी कि बनाते हैं, और उसमें हमें एक टाइटल के बाद दूसरा टाइटल बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों जब आप टाइटल क्रिएट करते हो किसी भी चीज़ में, ये देखिए ये हमारे पास में होता है फाइल। फाइल में हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होता है हमारे पास में लीजेंसी टाइटल। ये देखिए यहाँ पे आप चले गए फाइल में। यहाँ पे फाइल में जाके न्यू करना है आपने, और यहाँ पे जाके करना है आपको टाइटल, यानी कि लीजेंसी टाइटल। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फाइल में जस्ट जाने पे ऊपर ही है ये ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं लीजेंसी टाइटल। ये देखिए क्लिक करते ही आ गया है वीडियो। नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, टाइटल 01। ओके ठीक है। अब ये थोड़ा अडोब आफ्टर इफेक्ट सीसी है तो थोड़ा टाइम लगाता है शुरू में टाइटल क्रिएट करने में। बट क्या है कि एक टाइटल के बाद दूसरा टाइटल इजीली बन जाता है। अब ये देखिए सपोज कीजिए आपको इस पे हमें टाइटल क्रिएट करना है। अब इस पे हमने क्या करना है, अंकुर वेड्स प्रिया, अंकुर वेड सालनी कर देते हम ठीक है। अब इसका हमें फॉन्ट चेंज करना है। देखिए हम कैसे करेंगे इसका फॉन्ट चेंज। यहाँ पे आपके राइट साइड में इस साइड पे ऑप्शन होता है फॉन्ट चेंज करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट अपना यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ये कुछ टाइटल प्री रोल होते हैं, जैसे यहाँ पे ये हो गया इफेक्ट होते हैं, ये हमने कर लिया यहाँ पे है ना। यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, अलग अलग टाइप की चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। तो थोड़ा यहाँ से खींच लेते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कलर हमने चेंज कर दिया है। ओके ठीक है। इसमें आप चाहे यहाँ से बॉक्स बना सकते हैं इस टाइप से। ओके अब यहाँ से ये सपोज कीजिए आपका ऊपर आ गया है इसके, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपने ब्रिंग टू फ्रंट अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे जाके। यहाँ पे ये देखिए मैं इसको ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर देता हूँ। ये इस टाइप से आ गया है ना। और आपका इसका अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके इस साइड राइट साइड पे जो ऑप्शन होते हैं, ये ऑप्शन होते हैं थोड़े से ठीक है, जैसे कि कलर इसका चेंज करना है इस टाइप से, सॉलिड कलर है, लीनियर ग्रेडिएंट करना है। ये देखिए मैं इसका कलर लीनियर ग्रेडिएंट कर रहा हूँ। ये देखिए ठीक है इस टाइप से। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव जब हम करते हैं, ये देखिए मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। अब ये हमारा टाइटल हो गया सेव। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे उठा के इस टाइमलाइन पे यहाँ पे डाल लिया है ना, यहाँ पे। ठीक है। अब सपोज करो आपको दूसरा इसका टाइटल क्रिएट करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई एक टाइटल तो बना पा रहा है लेकिन दूसरा टाइटल नहीं बना पाता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आल्ट के साथ आपने प्रेस करना है। ये देखिए आल्ट प्रेस किया और मैं उठा के इसको यहाँ ले जाऊँगा है ना।
यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और टाइटल अपने आप ओपन हो जाएगा, क्योंकि जब टाइटल अपने आप ओपन हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए ये टाइटल हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, डेटेड 28/03/2020, ये मैंने डेट लिख दी है। और यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ये देखिए शादी की डेट इस टाइप से आ गया। और राइट क्लिक करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज है, इसका फ़ॉन्ट साइज हमने चेंज कर दिया है। इस साइड में आप राइट में जाते हैं, फ़ॉन्ट साइज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, ये देखिए, ठीक है। कलर इसका ये है, चेंज कैसे कर सकते हैं आप, ये कलर आपने चेंज कर दिया इस टाइप से, ठीक है। अभी इसमें सॉलिड कलर हो सकता है, हो रखा है यहाँ से, यहाँ से आप चाहो लीनियर ग्रेडियंट के टाइप का भी कर सकते हो, यानी कि दो कलर एक साथ कर सकते हो, ये देखो है ना। इसको बड़ा करना चाहो तो कितना भी बड़ा आप कर सकते हो इस टाइप से। दोस्तों ये मेजर प्रॉब्लम होती है जो कि लोगों को आती है, वो बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें टाइटल चेंज कर नहीं पाते हैं अपना। ये देखो मैं लीनियर इसमें कर रहा हूँ, इस टाइप से। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ इस टाइप से। अब ये आप देख सकते हैं मेरे बीन में कि एक तो हमने टेस्ट बनाया था अंकुर का, ये देखिए, ठीक है, ये पहला टेस्ट आपका अंकुर का था, दूसरा ये आ गया वेड्स, ठीक है, डेट आ गई। अब इसको भी अगर हम चाहें तो सिलेक्ट करके ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आल्ट प्रेस किया और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया सिर्फ, तो तीसरा टेस्ट हमारा क्रिएट हो गया है। सिर्फ उस पर क्लिक करना है, फर्स्ट आपने बना दिया, दूसरा तो तीसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आल्ट प्रेस करके आप दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसमें कुछ छोटा सा बॉक्स लगा दीजिए इस टाइप से, ये देखो, सेंड टू बैक कर देते हैं इसको, ठीक है। फॉन्ट इसका हम चेंज कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप, अब आपने फॉन्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉन्ट साइज आपने चेंज कर देना है इस टाइप से। ये देखिए आपका थर्ड टेस्ट हो गया, ये मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये देखिए, अभी आपका पहला टेस्ट ये हो गया है, दूसरा मैंने ये क्रिएट किया था आपका डेटेड, देन तीसरा ये आ गया। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया था, अगर चेंज करते तो चेंज हो जाता इसमें। फैमिली इनविटेशन लिख देता हूँ और ये मैंने इसको
सेव कर दिया है। क्योंकि दोस्तों ये मेजर प्रॉब्लम रहती है, ये सब लोगों के साथ ज़्यादातर आती है। बहुत से लोग ही मेरे पास सब्सक्राइबर हैं जो मेरे बताते हैं कि जो ना सर हमने जो ना एक टेस्ट बनाया और एक टेस्ट बनाने के बाद दूसरा जो हम टाइटल वगैरह लिखना चाह रहे हैं वो हमारा नहीं टाइप हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या करें सर, क्योंकि इसमें सेव का तो कहीं पर ऑप्शन है नहीं। ये देखिए अब ये आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ, सेकेंड हुआ, देन ये थर्ड टेस्ट हो गया। तो इस तरह आप एक के बाद आप आल्ट प्रेस के थ्रू इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा और कई नई चीज़ों के बारे में, आप देखते रहिए हमारी वीडियो को और सीखते रहिए उससे, कि ताकि अलग अलग चीज़ें आपको समझ में आ जाएं और आप उन पर काम कर सकें। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा और कई नई चीज़ों के बारे में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।